हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों आज एक नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेलेड, यानी कि सेलेड वेंचर्स की ओर से इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को बनाया गया है। और दोस्तों यहां पर इसी वेबसाइट से सेलेड.वेंचर्स जो इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सिंगापुर का ये दोस्तों क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है। यहां पर बहुत सारे नए फ्यूचर्स को इस प्रोजेक्ट में लाया गया है। काफी बड़ा एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसके बारे में हमारे जानना भी जरूरी है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। दोस्तों इसके ऑफिशियल वेबसाइट में अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें बताई गई, जहां पर इकोसिस्टम, व्हाइट पेपर, सॉल टोकन, प्रपोजल भी दिए गए हैं। इसके साथ साथ वेरिफिकेशन सेंटर, पार्टनरशिप, कैरियर्स और इवेंट्स के बारे में बताया गया है। हम शुरुआत करेंगे दोस्तों इसके ऑफिशियल व्हाइट पेपर पे, जहां पे सेलेड के बारे में बताया गया कि सेलेड है क्या। इनेबलिंग न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज थ्रू इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम वेब 3, यानी कि वेब 3 की बात हो रही है, और नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज यहां क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। स्टेइंग अहेड ऑफ द गेम, सेलेड वेंचर्स हेडक्वार्टर्ड इन सिंगापुर इज अ एक्स टू अर्न ecosystem project that uses innovative growth strategies and blockchain technology to help Web3 project scale. By incentivizing activity on our platform and partnering with other projects, we provide equal earning opportunity for our community members and promote growth for our ecosystem's partners. Sellet's three pillars are play, learn and work. यानी कि यहाँ पर इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो ये तीन पिलर्स पर टिका है, जिसमें सबसे पहला प्ले, दूसरा अर्न और तीसरा वर्क आता है। Our main products are Arcadon.com, Apollo Academy, as well as Maslow. Over 2.5 million NFT rewards have been minted by Sellet's community member as of May 2023. And together with our network of partners, Sellet's reach exceeds 6 million Web3 savvy users globally. यानी कि यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट की, जिसे सेलेड वेंचर्स ने बनाया है, जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, और यहाँ पर ये एक्स टू अर्न इकोसिस्टम प्रोजेक्ट है, जहां पर आपको इनोवेटिव ग्रोथ स्ट्रेटजीज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मिलेगी, जहां पर आप वेब 3 प्रोजेक्ट को स्केल कर पाएंगे। इसके साथ साथ यहां पर आप प्ले, लर्न और वर्क, जो इसके तीन पिलर्स हैं, उनको भी समझ सकते हैं। और यहां पर एनएफटी मिंटिंग भी की गई है, जो कि इस प्रोजेक्ट को 2021 में शुरू किया गया था, जहां पर इसके पास एक डाइवर्स टीम है जिसमें 20 मेंबर्स हैं, जो कि सिंगापुर, मलेशिया, अमेरिका, यूरोप और फिलीपींस से आते हैं, और उनके पास अपने खुद के कंसेप्ट हैं, और ये चाहते हैं कि हम आने वाले समय में एक ऐसा इनोवेटिव स्टार्टअप क्रिएट करें और फॉर्च्यून 500 कंपनीज में हम अपने आप को शामिल करना चाहते हैं। दोस्तों बात करते हैं मिशन और विजन की सेलेड की, तो यहाँ पर जो इनका विजन है वो ये है कि ये अपने इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लेके ब्लॉकचेन की मदद से हर एक क्रिप्टो ट्रेडर के बीच में, यूजर्स के बीच में इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहते हैं, बैरियर्स को तोड़ना चाहते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक डिफरेंट नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। इसके साथ साथ अवर ड्रीम इज अ वर्ल्ड वेयर प्ले, लर्निंग एंड वर्क आर सीमलेसली इंटीग्रेटेड, क्रिएटिंग अ बैलेंस्ड डिजिटल लैंडस्केप। तो यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से अपने विजन को बताया है। बात करते हैं मिशन की, एज वी टर्न दिस विजन इनटू रियलिटी, आवर मिशन एट सेलेड वेंचर इज टू पायनियर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। वी आर नॉट जस्ट बिल्डिंग एन एक्स टू अर्न इकोसिस्टम, we are setting the groundwork for revolution in the world web 3. Our commitment is to develop incentive models via the blockchain to reward playing, learning and working that engender a more equitable digital world. ab dosto yahan par sellet ke products ki agar baat ki jati hai to yahan par inhone bataya hua ki we are a sustainable cycle of earning for all. The sellet ecosystems is built on three main pillars, play, learn and work to earn. jahan par aapko teen basic cheezein dekhne ko mil jayengi jo uske features bhi hain, jisme Arcadon प्ले टू अर्न है, ए टू अकेडमी लर्न टू अर्न है, और मैस्लो वर्क टू अर्न है, यानी कि प्ले, लर्न और वर्क, तीन चीजों के यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, जो कि यूजर्स के लिए अच्छे से काम करेगा और वैसे ही प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, उनको एजुकेट किया जाएगा। दोस्तों टोकनॉमिक्स की बात की जाए तो सेलेड का यहाँ पर जो मैक्स सप्लाई है 1.68 बिलियन सेल्ड टोकन रखे गए हैं, और इस टोकन की यूटिलिटी को भी यहाँ पर बताया गया कि इसकी टोकन की यूटिलिटी क्या रहने वाली है और कैसे इसके यूज केस बनने वाले हैं। Salt will serve as the key to unlocking Sellet's products and innovations and will be integral to our ecosystem's growth and sustainability. Salt's main utility as a governance token gives holders the ability to participate in shaping the future of Sellet Ventures, जिसमें आप प्रपोजल के लिए वोट कर पाएंगे, जैसे कि Arcadon रिलेटेड प्रपोजल्स हैं जहां पे आप अपना वोट कर पाएंगे, और यहां पर आपको एक्सक्लूसिव NFTs और Salt टोकन भी मिल सकते हैं एज ए रिवॉर्ड। दूसरा अपोलो एकेडमी रिलेटेड प्रपोजल है, यहाँ पर भी आप अपने टोकन होल्डर्स जो हैं अपना वोट यूज कर पाएंगे, और यहाँ पर वो गेम फाई, डेफी, ट्रेड फाई,
और NFT 5 टॉपिक्स के ऊपर अपनी वोटिंग कर सकते हैं, और आने वाले समय में Web 3.0 के जो न्यू एरियाज हैं वहां पर भी आप अपना पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। इसके साथ तीसरा है मैस्लो रिलेटेड प्रपोजल्स, जहां पर आप इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए अपनी सपोर्ट दे सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के ट्रांजेक्शन और पेमेंट पॉलिसीज को आप उनके लिए वोट कर सकते हैं, क्या उसमें चेंजेस लाने हैं, क्या नए फीचर ऐड करने हैं, इंटीग्रेशन क्या होगी उसके लिए भी आप यहाँ पे वोटिंग कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के लिए आपको यहाँ पे भी यूज हो जाएगा सॉल टोकन, वैसे ही कम्युनिटी इनिशिएटिव्स के लिए भी इसका यूज किया जाएगा, और यहाँ पर इस सॉल टोकन के थ्रू ही सारे प्रोजेक्ट में ट्रांजेक्शन और गवर्नेंस की जाएगी। यानी कि टोकन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं तो कम्युनिटी यहाँ पर इसका एसेंशियल पार्ट है और पूरे सैलेड इकोसिस्टम्स के लिए यहाँ पर ये काम करेगा। अर्ली अडॉप्टर्स के लिए यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स हैं, जहाँ पर सैलेड्स एम टू अट्रैक्ट एंड रिटेन अर्ली अडॉप्टर्स, इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन विद इन अवर X2E इकोसिस्टम्स एंड सिक्योर वैल्यूएबल पार्टनरशिप दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोजेक्ट्स ओवरऑल सक्सेसफुल एंड सस्टेनेबिलिटी। इकोसिस्टम फंडिंग के लिए यूज किया जाएगा, मार्केटिंग के लिए यूज किया जाएगा, ट्रेजरी के लिए इसे यूज किया जाएगा, और प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए भी इसे यूज किया जाएगा। ऐसे ही टीम एंड एडवाइजर्स के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर इसका हम एलोकेशन देखते हैं तो सीड राउंड के लिए 12.01% था, प्राइवेट राउंड के लिए 8.88%, टीम एडवाइजर्स के लिए 10%, इकोसिस्टम्स के लिए 5%, ट्रेजरी के लिए 20%, मार्केटिंग के लिए यहाँ पे 25.51%, अर्ली अडॉप्टर्स के लिए 1% और कम्युनिटी के लिए 17.50% के हिसाब से रखा गया। दोस्तों अगर सैलेड्स के रोड मैप की बात की जाए तो इसे चार फेजेस में बांटा गया है, जहां पर पब्लिक लॉन्च और यूजर एक्विजिशन क्वार्टर 2022 में शुरू किया गया था, जहां पर सैलेड वेंचर्स, इसमें सैलेड पासपोर्ट, जेनेसिस लॉन्च और आर्केडन, उसके साथ साथ मैस्लो, गुल्ड ओएस, अपोलो एकेडमी को लाया। ऐसे ही फेज टू के अंदर जो क्वार्टर 1 2023 में ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से शुरू किया गया था, जहां पर डेवलपमेंट रिफाइनमेंट पार्टनरशिप की गई थी, पब्लिक बीटा लॉन्च, उसके साथ वेबसाइट, लाइट पेपर, लीडर बोर्ड, NFT लॉन्च और जेनेसिस लॉन्च को रखा गया था। ऐसे ही आने वाले समय में फेज थ्री जो कि क्वार्टर 2 2023 में चल रहा है, जहां पे सेल टोकन जनरेशन इवेंट, न्यू फीचर्स, डायनामिक NFTs, गेम फाइव लीडर बोर्ड्स बनाए गए हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है। वैसे तो ऐसे ही फेज फोर जिसे डेवलपमेंट एंड रेवेन्यू जनरेशन का नाम दिया गया, जो कि क्वार्टर 1 2024 में आएगा, जिसमें आर्केडन मार्केट प्लेस लाई जाएगी, हैच 3D NFTs लाए जाएंगे और बीटा लॉन्च मैस्लो का किया जाएगा। यानी कि फोर फेज में इस पूरे रोड मैप को डिफाइन किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर सॉल्ट टोकन के बारे में भी बताया गया है कि सॉल्ट विल सर्व एज द की टू अनलॉकिंग सैलेड्स प्रोडक्ट्स एंड इनोवेशंस एंड विल बी इंटीग्रल टू आवर इकोसिस्टम ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। सॉल्ट मेन यूटिलिटी एज अ गवर्नेंस टोकन गिव्स द होल्डर द एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ सैलेड वेंचर्स, जहां पर आप इस टोकन के माध्यम से आप अपनी वोटिंग कर पाएंगे, गवर्नेंस भी कर पाएंगे, और यहाँ पर आपके पास एक राइट्स मिल जाता है जब आप इस टोकन को होल्ड करते हो, ये बाय करते हो, और इसके थ्रू पूरे इकोसिस्टम्स में चीजें की जाएंगी। बात करते हैं दोस्तों इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की, विच इज सैलेड और साल्ट नाम दिया गया है। हैंड क्राफ्टिंग अ ब्लॉकचेन पावर्ड इकोसिस्टम्स वेयर वर्क, प्ले एंड लर्निंग कोएग्जिस्ट लाइक पीस इन अ पॉड, जो मई 2021 में बनाया गया था। इसमें अगर देखते हैं तो 142 की फॉलोइंग है और 100,000 फॉलोअर्स यहां पर देखने को मिल जाते हैं। 3 घंटे पहले का ये ट्विटर था। आफ्टर 2 years ऑफ बिल्डिंग वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस दैट साल्ट इज ऑफिशियली लिस्टेड ऑन बायबिट एंड बिटगेट, यानी कि 2 एक्सचेंजेस पे आपको देखने को मिल जाएगा, बायबिट एंड बिटगेट पे, जो कि जस्ट 3 घंटे पहले का ट्वीट है। ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने दूसरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कैसे इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, क्या अपडेट्स हैं, वो चाहें तो आप यहाँ पे इन मैसेज को, ट्वीट्स को चेक कर सकते हैं, इसे फॉलो करके भी आप इस पूरे प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वेबसाइट काफ़ी सिंपल, प्लेन, ईजी टू अंडरस्टैंड है। इसके साथ काफ़ी लिंक्स भी दिए गए हैं, टीम्स के बारे में बताया गया है, और सारी चीज़ें जो मैंने जस्ट अभी आपको व्हाइट पेपर पे दिखाई वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, कलेबोरेशंस, पार्टनरशिप्स और इकोसिस्टम्स के बारे में बताया गया है। बात करते हैं कॉइन मार्केट कैप की। सैलेड इज द प्रोजेक्ट नेम, सॉल्ट इज द टोकन नेम, करंट प्राइस इंडियन रुपीज में 8.02, डाउन बाय 1.96% के हिसाब से, मैक्स सप्लाई 1.68 बिलियन टोकन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप डिप हुई है, उसके साथ साथ जो इसका ऑल टाइम चार्ट हम देखते हैं वहां पर भी अपने रेड जोन में है, यानी कि काफी अभी अपने लो मार्जिन पे चल रहा है। एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तो बनती है, लेकिन बाइंग करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेनी पड़ेगी आपको और अपनी ओर से रिसर्च भी करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ और आंकड़ों की बात की जाए दोस्तों, तो इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है,
जस्ट इनिशियल फेज पे है और चीज़ें अभी उस हिसाब से शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में क्या होने वाला है। ऑल टाइम हाई 2 घंटे पहले 8.22 गया था, ऑल टाइम लो 2 घंटे पहले 6.25 गया था, जो कि अभी 20.74% के हिसाब से राइज पर है। ROI इसकी अवेलेबल नहीं है, आप इसे बायबिट और बिटगेट पे सॉल्ट ऑब्लिक USDT के पेयर में बाय कर सकते हैं, जहां पर एक का कॉन्फिडेंस हाई है और दूसरे का अवेलेबल नहीं है। यानी कि नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट में हमेशा रिस्क बने रहते हैं। अगर आप बाय करके इसे लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में एज पर द रूल में होनी बाकी हैं, लेकिन रिस्क तो हमेशा क्रिप्टो में बना रहेगा। तो आपको अपनी सोच समझ के और अपने जो आपकी कैपेसिटी है इन्वेस्ट करने की, जितना आप खतरा ले सकते हैं उस हिसाब से निवेश कर सकते हैं। लेकिन हमारी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी एडवाइस नहीं है, हमारा काम है आपको नए क्रिप्टो के बारे में बताना जो अभी जस्ट मार्केट में आ रहे हैं। तो दोस्तों एक हल्का सा ओवरव्यू सेलेड वेंचर्स, सेलेड क्रिप्टो इकोसिस्टम्स और सॉल्ट टोकन के ऊपर मैंने आपको दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय।